सो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसके फोनिक साउंड सीख लें। मतलब अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं या फिर छोटे बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें फोनिक साउंड सिखाना बहुत ज़रूरी है। फोनिक साउंड का सिंपल सा अर्थ होता है आवाज़। मतलब हम किसी लेटर को किस आवाज़ में बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आज बस यही देखेंगे कि लेटर ए, वैसे तो 26 लेटर अल्फ़ाबेट में होते हैं, बट हम आज सिर्फ ए लेटर को सीखेंगे कि लेटर ए को किन किन आवाज़ में हम बोल सकते हैं। जब हम इंग्लिश के कोई शब्द बोल रहे हैं तो ए अगर वहाँ पे है तो हम उसे किस आवाज़ में बोलेंगे। तो देखिए, ए को हम अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, ए बोलते हैं एंड अ, ऐसे करके थोड़ा सा टंग हमारा ट्विस्ट होगा, मीन्स अपवर्ड में होगा। तो जो वर्ड बनते हैं उसको देख लेते हैं। इसको बहुत से लोग एलोन बोलते हैं, बट ये आपका सही प्रोनंसिएशन नहीं होगा। यहाँ पे आप दो चीज़ें सीख सकते हैं, एक तो फोनिक साउंड और दूसरा प्रोनंसिएशन, कैसे उस शब्द को आप बोलेंगे। तो अलोन बोलते हैं, ना कि एलोन। अग्री बोलते हैं, एग्री बहुत से लोग बोलते हैं, बट यहाँ पे इसे हम अग्री बोलते हैं, नॉट एग्री। दूसरा आ का है आफ्टर, यहाँ पे ए को हम आ बोलेंगे, आफ्टर। स्टार्ट, यहाँ पे जो ए है वो आ की साउंड ला रहा है, तो इसे हम स्टार्ट बोलेंगे। तीसरा है ए, इसे बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई बहुत मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग ए को ए बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको हम ए नहीं बोलेंगे, इसे हम नेम ही बोलेंगे, मीन्स ए बोलेंगे, नॉट ए बोलेंगे। नेम, फेम, तो ये जो भी है ये ए की साउंड आती है, ए की साउंड यहाँ पे आती है। जैसे हम एप्पल बोलते हैं, एप्पल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे एप्पल। एप्पल, एंग्री, एंग्री नहीं कहेंगे, एंग्री, इस टाइप से बोलेंगे। एयर, एयर की साउंड आती है डेयर में, डे अ, एयर आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे डे अ र, डेयर। रेयर, रे अ, ए और अ आ रहा है साथ में, इसलिए हम इसे ए अ बोलते हैं, डेयर एंड रेयर। एंड लास्ट वन इज़ अ की साउंड कब आती है, तो टॉल, ऐसे बोलते हैं, टॉल, फॉल, इस टाइप से जब बोलेंगे तो यहाँ पे अ की ये वाली साउंड आती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का फोनिक साउंड आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।